हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम गूगल एनालिटिक्स 4 जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैसे सेटअप करते हैं गूगल टैग मैनेजर में। प्रॉपर टैग बनाएंगे, प्रॉपर ट्रिगर बनाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी आईडी होती है, जो कि आगे हेल्प होगा कि जब भी एक में ऐड वेरिएबल का ऑप्शन आता है आएगा तो उसमें हम पहले ही एक अपना वेरिएबल फिक्स कर देंगे जो कि गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी नाम से होगा, जिसमें एक प्रॉपर्टी आईडी जो कि एक मेजरमेंट आईडी होती है। प्रॉपर्टी आईडी हम यूज़ करते थे यूए के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए, बट GA4 के लिए हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट आईडी। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। हम वेरिएबल पे जाएंगे, उसके बाद तो हम लोग एक न्यू पे गए क्योंकि हम लोग ये अपने आप यूज़र जनरेटेड बना रहे हैं। तो GA4 इसका नाम रख देंगे, GA4। फिर इसको जब ऐड करेंगे इसमें तो हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू एक ले लेंगे जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी हमारी गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी आईडी, जो कि हमें जाके मिलेगी आपकी डेटा स्ट्रीम में। डेटा स्ट्रीम में हम यहाँ सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। मतलब एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी में मैंने सेटिंग ये जो एडमिन के आईडी पे आइकन पे क्लिक करा, फिर हम जाएंगे डेटा स्ट्रीम में। इसके थ्रू डेटा स्ट्रीम में हमने क्लिक किया फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक हमारी मेजरमेंट आईडी है, इसको हम कॉपी करेंगे और इस वैल्यू में पेस्ट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो हमारा एक हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फॉर नेक्स्ट कितने भी हम टैग ट्रिगर बनाएं, जब भी हम गूगल एनालिटिक्स 4 में कोई भी इवेंट सेटअप करेंगे, कोई भी बटन क्लिक या स्क्रॉल या पेज डेप्थ या पेज क्लिक या किसी भी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, कोई सा भी फॉर्म होगा हमारा, क्योंकि हमें एक गूगल एक वेरिएबल जो होता है गूगल एनालिटिक्स 4 वो हमें चाहिए होता है, एक वेरिएबल आईडी होती है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक इस्टेब्लिश कर लिया है। अब हम जाएंगे टैग्स में, तो हम एक टैग क्रिएट करेंगे फ्रेंड। टैग में न्यू पे जाके हम टैग का नाम दे देंगे, मैंने दे दिया जैसे गूगल एनालिटिक्स 4 सेटअप टैग, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो गूगल एनालिटिक्स 4 जब सेटअप हुआ था, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन टैग लिख सकते हैं इसको, गूगल एनालिटिक्स सेटअप इंटीग्रेशन सेटअप टैग लिख सकते हैं। सेटअप टैग, ओके। फिर हम यहाँ पे जाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे पहले जब हम लोग कनेक्ट करते थे तो जैसे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स लिखा आता था, पहले वहाँ पे लिखा था गूगल एनालिटिक्स 4 इंटीग्रेशन। इसके लिए एक ब्लॉग भी आया है क्योंकि ये अपडेट आई थी। अब गूगल टैग रिप्लेसेस GA4 कन्फिग्रेशन टैग। अब गूगल टैग एक ऑटोमेटिकली एक एड ऑन हो गया है यहाँ पे, जो इसने रिप्लेस कर दिया गूगल एनालिटिक्स 4 इंटीग्रेशन टैग को। तो जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गूगल एनालिटिक्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स आता था पहले, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स GA4 भी आता था, अब उसकी जगह यहाँ पे एक गूगल टैग आ गया। तो हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने वेरिएबल वहाँ बनाया था GA4 के लिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें एक मेजरमेंट टाइप डाली थी, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम ट्रिगर पे जाएंगे, एक ट्रिगर भी क्रिएट करना होता है। अब ट्रिगर के लिए भी हम एक नाम दे देंगे GA4 इंटीग्रेशन सेटअप ट्रिगर। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा बट ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा कि बहुत सारे टैग्स क्रिएट होंगे, बहुत सारे ट्रिगर क्रिएट होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कंडीशन होगी
इसलिए ये एक हम लोग एक स्पेसिफिकली जब नाम दे देते हैं तो फिर हमारा माइंड क्लियर होता है कि हाँ भाई ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो टैग है और ये ट्रिगर क्रिएट किया गया स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए किया गया। और ये ट्रिगर भी फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा जब हम ऑल पेजेस सेलेक्ट करेंगे, जो कोई कंडीशन हमारी ऐसी आएगी ऑल पेजेस की, लाइक स्क्रॉल डेप्थ जो हमें चेक करनी होगी। तो जब इसकी कंडीशन पर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे पेज व्यू ले लेंगे फ्रेंड्स, ऑल पेज व्यू सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एनालिटिक्स 4 में किसी भी पेज पे कोई भी यूजर लैंड करे हमारे पास उसका डेटा आना चाहिए थ्रू GTM। तो इसलिए हमने ऑल पेज सेलेक्ट करा, इसको हमने सेव करा। तो फ्रेंड्स अब इसको भी यहाँ से सेव करेंगे एंड ये हमारा सेटअप हो गया। लेकिन हमें फाइनल हमें सबमिट भी करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि डेटा पूरा एनालिटिक्स में शो हो। कई बार नहीं होता क्योंकि हमने यहाँ से सबमिट नहीं किया होता। लेकिन बिफोर दैट हम लोग एक डिबग व्यू में इसको चेक कर लेंगे एक बार जाके कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है एनालिटिक्स में। तो हमने इस पर क्लिक करा, सॉरी हम प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे जाके देख लीजिए हमारा डोमेन नेम यहाँ पे आ गया, इसको हम कनेक्ट करेंगे। एक न्यू विंडो ओपन होगी फ्रेंड, और ये न्यू विंडो विंडो लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है। और जब ये प्रॉपर्ली जब कनेक्ट होगा, जब राइट हैंड साइड पे एक चेकबॉक्स अभी यहाँ पे देखिए बन के आएगा जो कि कनेक्टेड लिखाएगा कि कनेक्टेड हो चुका है, तब हम चेक करेंगे कि टैग फायर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं टैग असिस्टेंट कनेक्टेड यहाँ पे आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि हमारा टैग फायर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे गए, सो आप देखिए फ्रेंड्स टैग फायर हो चुका है, GA4 इंटीग्रेशन सेटअप टैग फायर हो चुका है। अब हम एनालिटिक्स 4 में जाके देखेंगे। वैसे भी हम यहाँ पे जा के सकते हैं, एक स्क्रॉल कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैंने एक स्क्रॉल कर लिया इस पेज को, ठीक है। एक पेज व्यू हो गया, एक स्क्रॉल हो गया। अब हम जाके एनालिटिक्स में डिबग व्यू में देखेंगे। कि वहां पे ये एक्टिविटी शो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, एक स्क्रॉल हो गया, एक पेज व्यू हो गया, एक यूजर एंगेजमेंट हो गया। यूजर आया पेज पे, आया उसने एक स्क्रॉल करा, वो एंगेजमेंट हो गई, सेशन भी एक स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई एक बंदा एक पेज पे रहा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि हमने गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी को इंटीग्रेट जब करा GTM के थ्रू, तो एक वेरिएबल क्रिएट करा। उस वेरिएबल हमने हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा, उसके बाद हमने एक टैग क्रिएट करा, ट्रिगर क्रिएट करा। अब फ्रेंड्स हम इसको सबमिट कर देंगे कि हमारा, मतलब आपने देखा प्रीव्यू मोड में, डिबग व्यू मोड में वो प्रॉपर्ली हमारा शो हो रहा है, हमारी एक्टिविटी शो हो रही है। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। हम इसमें यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हैं लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट पब्लिश कर देंगे। मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक टैग क्रिएट हुआ, और जो ऑलरेडी बहुत सारे वेरिएबल्स थे वो उनके नाम आ रहे हैं। हमने एक जो वेरिएबल कनेक्ट करा वो ये करा, GA4 वेरिएबल एडिट, GA4 इंटीग्रेशन टैग एडिट हुआ है, GA4 इंटीग्रेशन सेटअप ट्रिगर ऐड हुआ है। तो ये सारे हमारे ऐड हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जब भी आपका ये कंप्लीट हो जाए तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है फ्रेंड्स, एक बार यहाँ पे दोबारा जाके एक चीज़ ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, वो कई बार इश्यूज़ आता है, ये वर्क स्पेस चेंजेस 0 होने चाहिए जो कि हमने सबमिट करके पब्लिश करा। अगर यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 दिखा रहे हैं और हमने कोई टैग टेकर, इसका मतलब हमने उसे सबमिट करके पब्लिश नहीं करा है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गूगल एनालिटिक्स 4 में वो जो जैसे डिबग व्यू में भी शो हो रहा था, कई बार टाइम लगाता है और कई बार बिल्कुल भी वो रिजल्ट नहीं दिखेगा, और वो इवेंट्स में भी नहीं आएगा, जिसको हम कई बार हम मार्कएस कन्वर्जन भी करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो चीज़ें कैसे होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कैसे हमने GA4 एनालिटिक्स को सेटअप करा थ्रू GTM टू आर वेबसाइट। सो फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय।